नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप कहते हैं ना कि हॉरर मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं होती है, तो मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपकी अंदर की तो आत्मा डोल उठेगी और साथ में इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। देखा जाए ये मूवी तेलुगु की मूवी है और इस मूवी का नाम है वीरूपाक्षु। अगर इस मूवी की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक लव स्टोरी के साथ, जहाँ एक लड़का अपने गाँव वापस आता है शहर से, और जैसे ही वो गाँव आता है तो उसको एक सुंदर लड़की दिखती है और उससे प्यार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस लव स्टोरी का विलेन कोई लड़का नहीं होता बल्कि पूरा गांव होता है। जी हाँ, क्योंकि गांव में अचानक मौतें होने लगती हैं और हत्याएं इतनी भयानक होती हैं कि जिनको देख करके लगता है कि इसमें किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का हाथ है। और देखा जाए अब आती है गांव की रक्षा की बारी, यानी कि गांव के लोग बड़बड़ा जाते हैं अब इस गांव की रक्षा कौन करेगा। तो गांव की रक्षा करता है एक गांव का ही पुराना मंदिर, जिसके पुजारी ये कहते हैं कि इस गांव को पूरे गांव को लॉक कर दिया जाए, अंदर आ सके और ना ही अंदर से कोई गांव के बाहर जा सके। और इसी गांव में एक पुरानी कहानी भी है दोस्तों। जी हाँ, बताते हैं कि इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, वो अपनी शक्तियों और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि दिया करता था, और अब उसकी आत्मा इस गांव में बदला लेने के लिए आई है। ये सब तो आप फिल्म देख करके समझ जाएंगे कि हत्या कैसे होती है, क्या कहानी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यकीन मानिए, यही एक लड़का होता है जो इन गांवों में हत्या कर रहा होता है, और वो इंसान के रूप में एक शैतान होता है। और मेरा यकीन मानिए, ये आप फिल्म के क्लाइमैक्स तक समझ ही नहीं पाएंगे कि इस फिल्म का मेन हत्यारा कौन है। आपको इसके ऊपर शक होगा, कहीं दूसरे एक्टर के ऊपर शक होगा, लेकिन जो मेन हत्यारा है उसके ऊपर आपका शक नहीं जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मूवी की जो कहानी है ना, वो वाकई में आपको उलझा करके रख देगी। और वैसे भी दोस्तों आप सुकुमारन को जानते हैं ना, अरे वही बॉस पुष्पा झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, और देखा जाए सुकुमारन जितने अच्छे डायरेक्टर हैं ना, उतने ही अच्छे लेखक भी हैं, यानी कि ये मूवी बवाल मचाएगी। अब आप सोचेंगे कि इस मूवी को हम देखने कहाँ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस मूवी को आप घर बैठे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में। और देखा जाए ये जो मूवी है कई भाषा में भी रिलीज़ भी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।